तो यार एक्समैन की मूवी से लेकर राइटर स्ट्राइक तक ऐसे कई सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं आज के नडी न्यूज में। तो एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं सबसे बड़े अपडेट से। तो हाँ, अब ये कंफर्म हो चुका है कि एमसीयू में एक्समैन की मूवीज बनने वाली है। धीरे धीरे करके ये हिंट दिया ही जा रहा था, लेकिन हाँ बहुत ही मेजर अपडेट्स आए हैं कि मार्वल स्टूडियोज कुछ राइटर की पिच सुनना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब राइटर्स अपने आइडियाज, अपनी स्टोरीज लेकर मार्वल स्टूडियोज को पिच कर रहे हैं कि एक्समैन की स्टोरीज एमसीयू में कैसी होनी चाहिए। तो हाँ, पिच मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये सब मीटिंग सही चला तो हमें जल्दी पता चल जाएगा कि इसके राइटर कौन होंगे और इसका प्री प्रोडक्शन पे काम भी स्टार्ट हो जाएगा। मुझे तो ये लग रहा है यार कि सीक्रेट इन्वेजन के बाद एक्समैन के कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो हाँ, आप लोग एमसीयू में एक्समैन को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ मूवी पे, जहां सबसे पहले है सॉ का 10th पार्ट। तो हाँ, सॉ 10 को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है ऑडियंस की तरफ से। जो इस तरह की मूवीज को पसंद करते हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और इसका डोमेस्टिक ओपनिंग रहा $8 million का, जो की सही में इस फ्रेंचाइज के लिए काफी सही है। ऊपर से रॉटन टोमेटोज पे क्रिटिक्स ने इसको 84% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 92% की, और इसी रेटिंग के साथ ये सॉ फ्रेंचाइज की हाईएस्ट रेटेड मूवी भी बन चुकी है। तो हाँ, आपको सॉ फ्रेंचाइज कैसी लगती है, इनकी मूवीज कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताना। सॉ के बाद ही रिलीज हुई है इसी वीक द क्रिएटर। बहुत ही कम बजट में बनी इस मूवी को बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। ओनली $80 million में ये मूवी बनी है और ऊपर से इसे सोनी FX3 से शूट किया गया है, जो कि काफी सस्ता कैमरा है। इसके बजट के हिसाब से इसकी भी ओपनिंग काफी सही रही विद $5.5 million। मैं यहाँ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नहीं, मैं बस डोमेस्टिक ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। और ऑडियंस और क्रिटिक्स का भी इस मूवी को लेकर ठीक ठाक सा सपोर्ट है। 67% क्रिटिक्स ने इस मूवी को पसंद किया है और 76% ऑडियंस ने। तो हाँ, आप लोगों ने द क्रिएटर देख ली है तो कॉमेंट जरूर बताना। मैं तो नहीं देख पाया, मेरे सिटी में लगी ही नहीं। अब इस वीक रिलीज मूवी की बात हुई है तो सीरीज के बारे में भी बता दूं तो पॉपुलर सीरीज में सबसे पहले तो जेनवी को रिलीज किया गया है। इसके 3 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं अमेज़न प्राइम पर और बाकी के एपिसोड भी पर वीक रिलीज कर दिए जाएंगे। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स होने वाले हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं सोच रहा हूँ कि सारे एपिसोड्स आ जाएं तो एक बार में बिंज वॉच करूँ। सिमिलर वे में जॉन विक के यूनिवर्स के स्पिन ऑफ सीरीज द कॉन्टिनेंटल को भी रिलीज किया जा चुका है और इसके 2 एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके टोटल 3 एपिसोड आने वाले हैं और मैं भी ये तभी देखूंगा जब तीनों एपिसोड्स आ जाएंगे। तो हाँ, अगर आप लोग ये सीरीज देखना स्टार्ट कर दिए हो तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स में। यहाँ सबसे पहले है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जहाँ ये रिवील किया गया कि कमरताज का जो लोकेशन था, जो नेपाल में दिखाया गया था, उसके लोकेशन को चेंज किया गया है, जो कि आपने मूवी में नोटिस किया ही होगा। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसे सिटी के आउटस्कर्ट्स में दिखाया गया है, वो भी हिमालय के पास। तो हाँ, डिजाइनर्स ने ये बात कंफर्म कर दी है ऑफिशियली कि हाँ ये चेंजेस किए गए थे क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वहाँ एक मेजर बैटल सीन होने वाला था और उसको एपिक दिखाने के लिए ऐसा किया गया। फिर आइको की सीरीज के लिए कुछ लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक हैप्पी न्यूज है। तो इसके एक न्यू रिलीज डेट को कंफर्म किया गया है और लिस्टिंग के हिसाब से ये January 10, 2024 को रिलीज होगी। मतलब हाँ, लोकी सीजन 2 खत्म होगा, उसके बाद एक मंथ का ब्रेक लिया जाएगा और फिर ये सीरीज रिलीज कर दी जाएगी। रिलीज से याद आया, दी मार्वल्स भी आ रही है, शायद सब लोग भूल चुके हैं। तो हाँ, उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही इसका रन टाइम भी कंफर्म कर दिया गया है। इस मूवी का रन टाइम है 1 घंटे 45 मिनट का, जो कि मार्वल स्टूडियोज की मतलब एमसीयू की अब सबसे छोटी मूवी होने वाली है। यहीं पर वार्नर ब्रदर्स पे होने वाला है एक और केस। तो हाँ, बैड गर्ल मूवी में एक एक्स्ट्रा एक्टर थी जो कि शूटिंग के टाइम इंजर्ड हो गई थी और उस इंजरी की वजह से उनका लाइफ चेंज हो गया, मतलब कह सकते हो कि वो हो सकता है हैंडीकैप्ड हो गई। तो हाँ, इसी पे वो एक्स्ट्रा जो है वार्नर ब्रदर्स पे केस करने वाली है। भाई सही में इमेजिन करो कि आपने किसी मूवी पे काम किया, उसमें आप इंजर्ड हो गए और वो मूवी इवन कभी रिलीज भी नहीं हुई, तो हाँ एक्सपीरियंस कैसा होगा आप समझ ही सकते हो। और यहीं पर एक और कमाल का अपडेट है टाइटैनिक 2 से, मतलब टाइटैनिक 2 नहीं ओशियन गेट से। आपको पता ही होगा रिसेंट में एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, ओशियन गेट नाम की जो सबमरीन थी वो ओशियन में जाके इम्प्लोड हो गई थी। तो हाँ, अब रिवील हुआ है कि उसकी एक मूवी बनने वाली है जो कि इस पूरे इंसिडेंट को दिखाएगी। हाँ, ये एक लाइव एक्शन मूवी होगी और सिंस ये बायोपिक है तो इसमें अक्षय कुमार होंगे। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना, अक्षय कुमार नहीं होंगे, कोई और एक्टर होगा, लेकिन हाँ एक मूवी तो बन रही है। देन यहीं पर एक छोटा सा अपडेट है फैंटास्टिक 4 की मूवी से। तो ऐसा लग रहा है कि इसका प्री प्रोडक्शन अब जल्द ही स्टार्ट होने वाला है क्योंकि भाई मार्वल स्टूडियोज ने रिसेंटली इस मूवी के लिए लेंस के टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी है।
मतलब हाँ किस सीन के लिए कौन सा लेंस सही लगेगा इसकी टेस्टिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो हाँ समझ लो कि हो सकता है जल्दी इसका एक कास्टिंग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए और जल्दी प्री प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाए। फिल्मिंग की बात हुई है तो भाई हाउस ऑफ द ड्रैगन के फैंस के लिए एक बड़ी अपडेट है। सीजन 2 की शूटिंग मतलब फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और टारगेट किया जा रहा है कि इसके जल्दी से जल्दी पोस्ट प्रोडक्शन पे काम किया जाए, कंप्लीट किया जाए और जून जुलाई के अराउंड 2024 में इसके सीजन 2 को रिलीज कर दिया जाए। इसके सीजन 2 की बात हुई है तो एक और सबका फैन फेवरेट सीरीज है एलिस इन द बॉर्डरलैंड। तो भाई नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एलिस इन द बॉर्डरलैंड का सीजन 3 भी आने वाला है। और यहीं पर एक सैड न्यूज है, एक्टर माइकल गैम्बॉन जिन्हें आप पहचान ही गए होंगे, इन्होंने हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज में डंबलडोर का रोल प्ले किया था, तो इनकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। तो हाँ मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं जेम्स गन की तरफ, जिन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में और कुछ ट्वीट्स में DCU के फ्यूचर से लेकर कुछ अपडेट्स दिए हैं। सबसे पहले तो जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि जैक स्नाइडर का क्या, उनके फ्यूचर का क्या, कि क्या वो किसी तरह से DC के न्यू फ्यूचर में कनेक्टेड रहेंगे, जिस पे जेम्स गन ने बोला है कि उनका जैक स्नाइडर के साथ कन्वर्सेशन हुआ है और उनके कन्वर्सेशन में कहीं भी जैक स्नाइडर ने DC के न्यू फ्यूचर से कनेक्टेड रहने का इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो हाँ ये ऑब्वियस भी था और अब कंफर्म भी हो गया कि जैक स्नाइडर DC के न्यू फ्यूचर में इन्वॉल्व नहीं रहने वाले हैं। यहीं पर जेम्स गन ने एक ट्वीट करते हुए कंफर्म किया है कि DCU का जो न्यू फ्यूचर होगा उसका स्टार्ट होगा क्रिएचर कमांडोज और सुपरमैन लेगेसी से। उसके पहले जो भी मूवीज आएंगे, जो भी एनिमेटेड सीरीज या फिर जो भी एनिमेटेड मूवीज आएंगे या इवन लाइव एक्शन मूवीज आएंगे वो सारे ही कैनन इवेंट नहीं रहेंगे। मतलब हाँ ये ऑब्वियस भी था, एक्वामैन, ब्लू बीटल इन सब की स्टोरीज कैनन इवेंट तो नहीं होने वाली, ये कंफर्म ही था। लेकिन फिर भी जेम्स गन ने अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। पर हाँ इसी स्टेटमेंट पे उन्होंने ये भी बोला कि कुछ एक्टर्स हैं पिछले DC के मूवीज से जो कि आगे अपने रोल में कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने इवन कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं जैसे कि जॉन सीना के कैरेक्टर पीसमेकर का रोल प्ले करेंगे ही, वायला डेविस अमेंडा वॉलर का कैरेक्टर भी प्ले करेंगी और इवन जोलो मैराडोना जिन्हें रिसेंटली आपने ब्लू बीटल में देखा था तो वो भी कंटिन्यू करेंगे DC के फ्यूचर में ब्लू बीटल के कैरेक्टर के साथ ही। लेकिन हाँ जो उनकी स्टोरी थी पिछली वो नए DC में कैनन इवेंट नहीं होने वाली। और हाँ जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि भाई जो विजिलांटी का कैरेक्टर था वो भी सेम एक्टर ही प्ले करने वाले हैं। सबने इस कैरेक्टर को पीसमेकर की सीरीज में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट एंड पसंद किया था। तो हाँ इन सब पर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट जरूर करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस वीक आए कुछ न्यू ट्रेलर न्यू पोस्टर्स पे, जहाँ सबसे पहले तो भाई आर्गाइल नाम की एक मूवी आने वाली है उसका एक ये पोस्टर रिलीज किया गया और साथ ही इसका ट्रेलर मुझे बहुत फनी लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सर्च करके जरूर देख लेना। हाँ इसी मूवी में हेनरी कैविल का एक अजीब सा हेयर स्टाइल दिया गया है बट जहाँ तक मैंने सुना है कि भाई उनका बस एक कैमियो होने वाला है। फिर हाँ स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड आपने मूवी देखी होगी, एक वियर्डली ऑसम मूवी थी, तो हाँ उसी का एक एनिमे रिलीज होने वाला है, उसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, वो भी चाहो तो आप लोग देख लेना। लेकिन मेरे लिए सबसे मेजर रहा कि नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया है डेविल मे क्राई का एनिमे, इसका एक ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया और मेरे लिए ये ऑसम इसलिए रहा क्योंकि भाई मैंने लगता है डेविल मे क्राई का हर गेम खेला ही खेला है। मतलब डेविल मे क्राई 4 तक तो मैंने सब कुछ खेला था, उसके बाद अगर कुछ आया हो तो भाई मैंने वो गेम्स नहीं खेले हैं। लेकिन हाँ डेविल मे क्राई 4 तक पूरा खेला है और इसके बाद नेटफ्लिक्स भाई पूरे जोरों शोरों से एनिमे पे फोकस कर रहा है, इवन उन्होंने टूम रेडर के एनिमे का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। तो हाँ भाई नेक्स्ट ईयर तो लग रहा है कि भाई सब कुछ एनिमे में ही होने वाला है। अब इन द एंड आ जाते हैं राइटर स्ट्राइक पे, तो हाँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, राइटर स्ट्राइक फाइनली एंड हो चुका है। ये स्ट्राइक टोटल 148 डेज तक चला और अब ये स्ट्राइक खत्म हो चुका है, विच मींस कि हमें अब नए कंटेंट जल्दी से जल्दी मिल सकते हैं। लेकिन हाँ अभी ये भी है कि एक्टर स्ट्राइक अभी भी चल रहा है, उनके बीच अभी भी डील फाइनलाइज नहीं किया गया। फिर भी ये स्ट्राइक एंड होने के बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे काम होना स्टार्ट तो हो ही जाएंगे। HBO वालों ने बोला है कि राइटर स्ट्राइक एंड होने के चलते वो लोग अब प्रायोरिटाइज कर रहे हैं लास्ट ऑफ अस का सीजन 2, व्हाइट लोटस का सीजन 3 और यूफोरिया का सीजन 3, तो इन तीनों ही सीरीज की राइटिंग जल्दी से जल्दी वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और वहीं नेटफ्लिक्स वालों ने प्रायोरिटाइज किया है वेंसडे का सीजन 2 और स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले, तो हाँ ये दोनों ही सीरीज अभी राइटर्स स्पीड में लिखना चालू करेंगे। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स, होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हां तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। गॉडजिला के कैरेक्टर की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा, टिल देन बी देसी बी नर्ड।